मेरे से बात करने की भी मेरे से बात करने के लिए भी आपके पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी आपने इशारों में मुझसे संकेत रूप से मुझसे बात किया। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया को देख करके आपने भौहें उठाई और फिर आप चले गए कुछ सोच के। तो वो क्या सोचा आपने और क्यों भौहें उठाई, ये इसके ये मेरे मन में संशय है, तो आप इसका निवारण कीजिए। तो यमराज जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। एक्चुअली बात यह है कि वो जो चिड़िया है उसकी मृत्यु लिखी थी यहां से 200 योजन दूर एक जंगल में, और मैं ये सोच रहा था कि छोटी सी चिड़िया इतने जल्दी तो जंगल में जाएगी नहीं, और इसकी मृत्यु अभी ज्यादा देर बाद है भी नहीं, अगले 2 मिनट बाद ही इसकी मृत्यु लिखी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी मृत्यु तो लिखी है लेकिन ये वहां तक तो जा नहीं सकती, वहां पर तो इसका मृत्यु होगा कैसे। और इसलिए मैंने ये ऐसे सोच के भौहें उठाई कि ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है, और फिर मैंने सोचा जो प्रभु की माया, और फिर इसलिए मैं चले गया। तो गरुड़ जी ने सिर पे हाथ रखा, ओ माय गॉड, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। मैं जिस चिड़िया का रक्षण करने के लिए उसे उतना दूर लेके गया, वास्तव में मैं उसको उसी जगह जहां उसकी मृत्यु लिखी थी वहां उसको पहुंचा के आ गया। तो यह संसार में ये जो भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है इसमें मृत्यु अटल सत्य है। इस मृत्यु से कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये अटल सत्य है, यह कभी बदलेगा नहीं। तो जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमें यह विश्वास ही नहीं होता कि हमारी भी मृत्यु होगी। तो हमारी जो मृत्यु है वो हमें तब समझ में आती है जब हमारे पास रोग होता है हमारे शरीर में, तब हमें लगता है मृत्यु हो सकती है। या जब हम शमशान भूमि में होते हैं तो वहां पर भी हमें लगता है कि मृत्यु हमारे भी होगी। या जब हम शास्त्र सुनते हैं ऐसे बैठ करके, गरुड़ पुराण या भागवत या भगवत गीता इत्यादि सुनते हैं, तब हमें ये बात पे विश्वास होता है, तब हमें लगता है कि यस मृत्यु है। लेकिन ये तीन स्थानों को छोड़ करके या किसी मरे हुए व्यक्ति को देख करके भी हमें ये बुद्धि आ जाती है, लेकिन तीन चार जगह का स्थान छोड़ दिया जाए तो हमें कभी विश्वास नहीं होता कि हमारी भी मृत्यु हो, कि माया का प्रभाव कितना शक्तिशाली। तो जब हमारे घर में किसी का दुखद घटना घटती है तो हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ी चिंता होती है कि अरे वे चले गए, ये बहुत ही बुरा हुआ निश्चित रूप से। लेकिन उनके लिए केवल शोक मनाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। जीवन चलते ही रहता है और जीवन चलता ही रहेगा, यह जीवन मृत्यु से कभी रुकता नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। हमको लगता है मृत्यु ही विराम है, नहीं, मृत्यु के बाद तो और लंबी जर्नी चालू हो जाती है। मृत्यु तो आपको तब तक आपका फुल स्टॉप पॉइंट है इस शरीर के लिए, लेकिन ये शरीर के बाद भी लंबी जर्नी चालू होती है, और वही गरुड़ पुराण में हमें बताया है। तो गरुड़ पुराण में बहुत सारे ऐसी कथा प्रारंभ होती है कि बहुत सारे ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका क्या गति होती है, उसके साथ कैसा जीवन होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए, यह सब हमें अच्छे से बताइए। तो सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि यही ऐसा ही प्रश्न गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को पूछा था, और भगवान विष्णु ने उनको जैसा उत्तर दिया था वही उत्तर मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो यह जो गरुड़ पुराण हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं यह एक सारोधार है। सारोधार मतलब होता है इसमें बहुत सारे शास्त्रों का संकलन है जिसके बारे में हम इस गरुड़ पुराण को सुनने जा रहे हैं। तो सारोधार का मतलब होता है ये पूरा गरुड़ पुराण नहीं सुनेंगे हम, लेकिन गरुड़ पुराण के जो कुछ अंश हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, वो टोटल 16 अध्याय हैं, इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। तो ये 16 अध्याय जो है ये मुख्य मुख्य अध्याय हैं, उनको हम सुनेंगे, और ये भी बहुत डिटेल नहीं है।
अगर आप अभी तो आज पहला दिन है, लेकिन आज जब आप आगे कल परसों नरसों जब ये सब सुनने लगोगे तो आप कहोगे अरे बस अब हमें नहीं सुनना है। और ये भी जबकि शॉर्ट में बताया गया, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दिया हुआ है, तो भी आप लोग कहेंगे कि अब हम नहीं सुन सकते, बंद कर दीजिए। ये इतना भयावह है। अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कोई ऐसी कहानी सुनते हैं, कि आज के समय कहें तो लोग मूवीज देखते हैं, तो उसमें कोई डरावने चीजें बार बार ज्यादा आने लगती है, ज्यादा मात्रा में आने लगती है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मत देखो, बंद कर दो, हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा की गई। तो हम जो सुनेंगे वो थोड़ा शॉर्ट ही है, और वो इसलिए शॉर्ट होता है क्योंकि गरुड़ पुराण के जो ग्रंथ है वो 2000 पन्नों का है। तो हम 2000 पन्नों को अगर एक दिन में भी अगर कम से कम 100 पन्ने सुनेंगे तो उसके लिए हमें कम से कम 6 से 8 घंटे लगेंगे। बहुत भी कम समय लगाएंगे तो भी 3-4 घंटे से कम नहीं लगे। तो इतना समय ना आपके पास है ना औरों के पास है, तो इसीलिए जितना हमें आवश्यक है उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए, वो हम आपको उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा देंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए। और इस कथा को सुनने के बाद आप भी जागरूक हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब किसी की मृत्यु होती है, और कैसे हमें भी जीवन जीना चाहिए। इसके बारे में आप पूरे विस्तार से इस चीज को सुनने वाले हैं। तो गरुड़ पुराण में सबसे पहला अध्याय आता है कि भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ पुराण के संवाद में गरुड़ पुराण का उपक्रम, पापी मनुष्य का इस लोक तथा परलोक में होने वाले दुर्गति का वर्णन, और दश गात्र पिंडदान की यातना देह का निर्माण। तो ये पहला चैप्टर जो है आज हम सुनने वाले हैं, जिसमें होगा कि व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जो हैं, गरुड़ जी हैं, इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन, वो उनके पर्सनल असिस्टेंट या ड्राइवर। तो जब आप अपने किसी पर्सनल ड्राइवर से बात करते हैं एज अ पर्सनली, तो आप देखते हैं क्योंकि वो दिन भर कार में व्यक्ति बैठा ही रहता है, उसे बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे ईमेल आते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं, तो वो सारी बातें वो उनसे फोन पर करता रहता है। लेकिन वो सारी बातें जो है ड्राइवर सुनता रहता है। फिर ड्राइवर भी कभी कभी अपने बॉस से बात कर लेता है कि हाँ सर आप इसके बारे में बता रहे थे, वो क्या है कैसा है, ऐसे बहुत सारी बातें वे एक दूसरे को पूछते हैं बताते हैं। तो वो उनको पर्सनली ज्यादा पर्सनल गाइड करते हैं, कह रहे तुमको राज की बात बताओ, ये ऐसा नहीं ऐसा ही। तो गरुड़ जी भगवान विष्णु के साथ हमेशा रहते हैं, और जब विशेष रूप से उनको कहीं ट्रैवल करना होता है तो गरुड़ जी उनको अपनी पीठ पर बिठा करके लेके जाते हैं। तो उसी बीच में वो उनसे संवाद भी कर लेते हैं कि आप इसके पास जो जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं, अच्छा तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो गरुड़ जी कितने बुद्धिमान होंगे आप सोचिए, और गरुड़ जी इतने बुद्धिमान होने के अलावा ये सोचिए कि उनके पास भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो उनके पीठ पर बैठ करके उनको सारा दिव्य ज्ञान देते, और वही भगवान उन्हीं के द्वारा कथा कहे हुए या गरुड़ जी के द्वारा प्रश्न पूछे गए, विनीता के पुत्र गरुड़ जी उनके प्रश्न पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उनको जो जो उत्तर दिए हैं वही हम सब सुन रहे हैं। तो इसमें आता है कि मरण मरे हुए व्यक्ति के लिए क्या होता है। तो जिस भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, तो अभी अब हमारा कथा एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह शरीर से इतना जल्दी से उसका बाहर निकलना संभव नहीं है, बहुत कष्ट होता है उसको, इतना कष्ट होता है कि पूरा जो शरीर है वो पीप से भर जाता है, कफ से भर जाता है। कितना भी कैसे भी प्रकार की मृत्यु हो, केवल एक्सीडेंट जो होता है अकाल मृत्यु, उसे छोड़ करके किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसका जो शरीर होता है वो पूरा बंद हो जाता है, पूरा फंक्शन, बाद में प्राण निकलते हैं उसके, और ये क्रिया होने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत होता है, मतलब एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं पूरा शरीर को बंद होने के लिए। तो ये जो शरीर होता है वो इतना कष्ट सहन करता है जब उसके प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं। और जब प्राण भी बाहर निकलते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं हर कोई आसानी से निकल जाता है,
जैसे आपको कहा जाए कि आज के आज इस घर को छोड़ दो और इस घर से कभी नहीं आना, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है मैं पैसे ले लूँ, आई कार्ड ले लूँ, कुछ तो दो चार कपड़े ले लूँ, नहीं कुछ भी नहीं लेना, ऐसे ही चलो, तो आप चलने के लिए तैयार होंगे? कभी नहीं। लेकिन यही बात जो यमदूत होते हैं वो उस आत्मा को बताते हैं, उसको क्या बताते हैं कि अब तुम्हें तुरंत चलना होगा, तुम यहां नहीं रुक सकते। तो ये क्यों बताते हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति है, जब उसको शरीर से निकाला जाता है तो वो इतना खुशी खुशी बाहर नहीं आता, उसको पूरा शरीर, आप देखोगे जब कोई व्यक्ति मरता है उसका शरीर पूरा बंधा हुआ होता है, यानी पूरा टाइट हो जाता है। पता है कैसे? कभी आपको उल्टियां होती हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा शरीर ऐसे जकड़ जाता है अंदर से, ऐसे करते तो पूरा शरीर बंद जाता है अंदर से। तो उल्टी जो होती है वो क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर की वस्तु बाहर जाती है, तो उल्टी होता है जो बहुत कठिन होता है। तो जो प्राण निकलते हैं वो कितना कष्टकारक, पूरा शरीर जकड़ जाता है, यानी शरीर से आत्मा निकलना नहीं चाहती लेकिन इसको खींच करके निकाल लिया जाता है, और वो भी सरल तरीके से नहीं, बड़े कठोर तरीके से निकाला जाता है, और ये बहुत भयावह है। तो जब भी किसी की मृत्यु होती है, वो यदि पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, उनको निकालना पड़ता है शरीर से। वैसे पुण्य आत्मा जनरली इजीली शरीर छोड़ देते हैं, यानी आप देखते हैं कुछ लोग बड़े अच्छे कर्म वाले होते हैं तो उनकी मृत्यु कैसे होती है, वो रात में सोते सोते उनके प्राण निकल जाते हैं, तो बड़ी अच्छी मृत्यु है। किसी किसी को छोटा सा रोग होता है और वो उससे शरीर छोड़ देता है, ये भी अच्छी मृत्यु है। लेकिन कोई वर्षों तक जैसे दो दो साल तीन तीन साल बेड पे ही पड़ा हो और फिर उसकी मृत्यु होती है, तो थोड़ा ये दयनीय मृत्यु है, यानी उसको इतने सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं और अंत में उसकी मृत्यु होती है। तो ये सारे जो कष्ट हैं यही सारे कर्म हैं, और इन्हीं कर्मों को हम सुनने सुनते हैं और इन्हीं कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। तो जब मृत्यु होती है तो उसको यमदूत लोग खींच करके निकालते हैं, और निकालने के बाद तुरंत उसे पकड़ के यमलोक लेके जाते हैं। अब मैं यहाँ जिसके बारे में बता रहा हूँ वो पापी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पाप किया हुआ है तो उसको पकड़ करके निकालते हैं, और निकाल करके उसको तुरंत यमलोक लेकर के जाते हैं, और यमलोक में उसको नरक लेकर के दिखाते हैं कि देखो किस किस प्रकार का नरक, यहाँ क्या क्या हो रहा है। देख रहे हैं कि किसी को पकड़ के खूब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को लोहे से चिपका रहे हैं, किसी के ऊपर गरम गरम खौलता हुआ लोहा उसे पिलाया जा रहा है, किसी को देख रहे हैं कि उसके शरीर को तोड़ के काट के कुत्तों को खिला के फिर वापस उसको ज्वाइंट करते हैं, उसको तेल में उठा करके डाल देते हैं, किसी को खाई से धक्का मारते हैं, ऐसे बहुत सारे भयावह दृश्य उसे दिखाया जाता है। और यह दृश्य दिखा करके फिर उसको उसी घर में लाके छोड़ दिया जाता है जहां पे उसकी मृत्यु हुई है। तो ये पूरी जर्नी सिर्फ 2 मिनट की होती है, ओनली फॉर 2 मिनट्स। वो 2 मिनट में ही यहां से वहां जाता है और जाके तुरंत आ जाता है, लेकिन अब वो शरीर में नहीं घुस सकता क्योंकि उसका शरीर छोड़ दिया गया है, निकाल दिया गया है उसको शरीर से। अब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों की मृत्यु होने के बावजूद भी उनके शरीर में वो प्राण चले आते हैं, लेकिन ज्यादा देर वो टिकते नहीं, फिर से निकल आते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि प्राण जो है, आत्मा जो है, वो वापस उस शरीर में घुस जाता है और सोचता है कि अरे मैं जिंदा हो जाऊं, अब मैं बस केवल भगवान का भजन करूंगा और कोई कार्य नहीं करूंगा, ऐसा सोचता है। लेकिन यह अब उसे छोड़ दिया जाता है, छीन लिया जाता है, क्योंकि जितना आपको समय दिया गया था उतना ही आपको काम करना था, अब आपका समय समाप्त हो गया, अब आप उसमें नहीं जा सकते, यू आर नॉट अलाउड टू गो एंटर, आप नहीं जा सकते, आप उसके शरीर, अपने ही शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा क्लियर हो जाता है। तो बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है, 99.9% ऐसा नहीं होता है, लेकिन
आपको एक बार शरीर से जो बाहर निकाल दिया जाता है तो वापस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसी को प्रेत कहते हैं। प्रेत मतलब वह व्यक्ति जिसका शरीर छीन लिया गया है उसको प्रेत कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह अंगूठे के साइज के बराबर वायु रूप में उसी घर में घूमता रहता है 12 दिन तक, 12 days। तो ये 12 दिन तक का सूतक लग जाता है उस घर वालों को। जो लोगों के घर में मृत्यु होती है उनके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं 3 पीढ़ी तक, उनको पूरा सूतक का पालन करना पड़ता है। तो उनके लिए पहला नियम क्या प्रारंभ हो जाता है कि अब वो ना तो दान कर सकते हैं 12 दिन तक, ना घर से बाहर जाना चाहिए उन्हें, और जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन से 2 या 3 दिन उनको फास्टिंग करना चाहिए। पहले दिन तो निर्जला फास्टिंग करना चाहिए और दूसरे दिन आता है उस दिन उनको सजला जल पी के या फ्रूट खा के फास्टिंग करना चाहिए। और तीसरा दिन होता है कि वे बहुत ही हल्का भोजन लेते हैं, लाइक दाल चावल और सब्जी, या चपाती भी लेना है तो भी बहुत सोच के लेना है, मतलब ज्यादा भोजन नहीं करना है, बहुत हल्का भोजन करना है, और उसमें मसालेदार तेल में पकाया हुआ यह सब नहीं खाते, बघारा हुआ भोजन नहीं लेते, हल्दी का प्रयोग नहीं करते और गरम मसाला या मसालेदार भोजन नहीं लेते, हाँ चिकना भोजन नहीं लेते। यह सब सूतक के समय नियमों का पालन करने का नियम है। इसके अलावा उस घर वाले जो हैं वे भगवान की पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, और इनके अलावा उनके घर में कोई उनका ब्लड रिलेटिव नहीं, दूर का कोई संबंध है या उनका मित्र या शुभचिंतक है तो वो यदि उनके घर आए तो उनको उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि यह सूतक का घर का जो पानी होता है 12 दिन तक के लिए अशुद्ध माना जाता है। तो इसलिए केवल उनके ब्लड रिलेटिव्स ही उनके घर पे भोजन ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं लेना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूतक से क्या होता है उनके घर का जो दोष होता है वो उस व्यक्ति को चला जाता है। वैसे हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि यह जो नियम है ये उनके लिए रहता है। तो अगर आपको पता है कि आपके घर में सूतक लगा है और आप किसी को अनायास जबर फिर भी पानी पिला रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तो यह बात को विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको चाहिए कि घर में साउथ फेसिंग दिया जलाए, तेल में एक सिंगल दिया, एक ही लौ वाली दिया वो जलाए साउथ फेसिंग में, और यह जला करके उसके बाजू में दूध, कच्चा दूध एक कटोरी में और पानी एक कटोरी में रोज रखे, और फिर दूसरे दिन सुबह बदल दे, वो जो दूध और पानी है उसे किसी पेड़ में डाल दे और रोज फिर फ्रेश दूध और पानी वापस से वहां रखे। ऐसे पूरे 10 या 12 दिन तक किया जा सकता है। जनरली 12 दिन किया तो अच्छा है, कुछ लोग 10वें दिन तक भी करें तो भी कोई परेशानी नहीं है उसे। तो इस प्रकार से यह नियम का पालन करना चाहिए। तो ये सूतक के कुछ नियम है। वैसे ये सारे नियम का बारे आगे भी आएगा, लेकिन मैं इसे अभी इसलिए बता रहा हूँ, जिसके घर में मृत्यु हुई उसी को दिया जलाना है, हर व्यक्ति को नहीं करना है। जैसे हमारे और भी रिलेटिव्स हैं दूसरे दूसरे जगह रह रहे हैं तो उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। जिस घर में मृत्यु हुई है या जिनके पिता की मृत्यु हुई है या उनके घर में जिस जो विशेष व्यक्ति है तो केवल उस घर में रहने वाले लोगों के लिए नियम है। बाकी सूतक के नियमों का पालन जैसे भोजन करना और पूजा और मंदिर जाना इत्यादियों का निषेध माना जाता है इसमें। तो ये सारे चीजें जो हैं इसका भी एक साइंटिफिक रीजन ऐसा भी बताया जाता है कि जो कंटामिनेशन होता है, जो अशुद्धता होती है हमारे माइंड की, वो जब पवित्र या शुद्ध लोग होते हैं उनके पास जाने से उनका माइंड भी रॉन्ग वे में ना जाए या उनका मन में भी शोक ना आ जाए, इसके लिए इन इन चीजों को थोड़ा दूर रखा जाता है या उन लोगों को घर से दूर रखा जाता है। कि समाज से उनको कहा जाता है कि भाई अब 12 दिन तक क्वारंटीन ही रही, ये जो क्वारंटाइन सिस्टम है ये हमारा बहुत पहले से चल रहा है। तो ऐसे लोग यहाँ पर इस प्रकार 12 दिन का नियमों का पालन करते हैं।
तो दूसरे दिन से, जिस दिन मृत्यु हुई उसके दूसरे या तीसरे दिन से गरुड़ पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो मन में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं और बहुत ग्लानि होती है, एक ऐसा कष्ट होता है हृदय में जो निकालने से भी नहीं निकलता। तो उसके लिए शास्त्र ही हमारी माँ समान है, जो अपने हृदय से उस बालक को लगा करके उसके मन को, उसके दुख को कम कर देती है। इसलिए हम सभी जो शास्त्र को सुनते हैं वो अनायास नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा लाभ है, और वो लाभ ये है कि हमारा मन जो है वो शांत होता है। इसलिए 12 दिन का विशेष महत्व बताया गया है। तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके लाभ के लिए हर व्यक्ति जो उनके शुभ चिंतक हैं, या इस समय जो लोग सुन रहे हैं, या जो इसको बाद में सुनेंगे, वे सभी का कर्तव्य है कि वे सभी उनके लिए कुछ भगवान के नाम का जप करें, विशेष प्रार्थना करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बैठ के इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि सुनने से उनके हृदय का जो कष्ट है वो कम हो जाता है, उनको ज्ञान मिलता है। देखिए, शिक्षा से ही, ज्ञान से ही दुख को नष्ट किया जा सकता है। इस संसार में अगर किसी को ज्ञान नहीं होगा ना, तो व्यक्ति के एक जन्म की मृत्यु से भी वो पूरा जीवन दुखी ही रह जाएगा। इसके लिए हमारे शास्त्रों ने बताया है कि जैसे मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ ऑर्गेनाइज करो। ये इसके लिए नहीं है कि ब्राह्मण देवता भोकट में बैठे हैं तो भला कुछ बकबक कर देंगे, उनका भी घर चल जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए ये नियम बताया गया है कि हमारे लाभ के लिए, हमारी मानसिक शक्ति के लिए, हमारा जो मानसिकता डाउन हो जाता है, हमारा जो इमोशंस लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए शास्त्र सुनना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण से सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम शास्त्र सुनते हैं तो हमारे मन के अनेकों विचार जो हैं, जो गलत धारणाएं बनाती हैं और इस संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल देती है, उन सभी से हमारी मुक्ति हो जाती है, हम बच जाते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि जब घर में किसी के अनायास मृत्यु हो जाता है तो लोग इस प्रकार पागल हो जाते हैं कि वे दुनिया को मारने पीटने लग जाते हैं, लोगों से बदला लेने की उनकी भावना बन जाती है, या कुछ लोग तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि साल साल भर तक वो, उनका बुद्धि ही काम नहीं करता, बड़े अनाप शनाप बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनके स्वभाव में बड़ी विकृति आ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने शास्त्र का ज्ञान नहीं लेते, या ये लोग सुनना ही नहीं चाहते, सबसे बड़ा बात तो ये। तो हम अगर किसी को आमंत्रित करते हैं कि आइए आप बैठ करके शास्त्र सुनिए, तो लोगों को लगता है अरे अभी किसी की मृत्यु हो गई और उसमें भी ये लोग कथा बोल रहे हैं। अरे यही कथा तो हमें बचाएगा, हमारे बुद्धि को सही निर्देशन देगा, और इसी शिक्षा से ही हम सभी आगे उन्नति करते हैं। तो किसी के लिए आप कितना भी रो लीजिए, वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आने वाला। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्मा मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। आज जिसकी मृत्यु हुई है ये क्लियर है, 100% डैम श्योर है कि उसकी वापस से जन्म होगा, इसमें कोई चिंता करने का विषय नहीं है। अब जब हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो हम दुखी होते हैं क्या कि अरे ये तो कहीं तो मृत्यु हुआ रहेगा इसका, निश्चित रूप से हुआ रहेगा, लेकिन हम इसकी चिंता करते हैं क्या? नहीं करते। वैसे ही जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें दुख होता है, होना भी चाहिए, हम मनुष्य हैं, हमारे हमारे पास भी हृदय है, तो दुख तो होना चाहिए। लेकिन दुख के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि यह भगवान का नियम है और इस नियम को कोई बदल नहीं सका है आज तक, और ना ही कोई बदल पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि कभी कभी मृत्यु जो होती है ये अगर ना हो तो पता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे दादा पर दादा सब हमारे एक बेडरूम में, कोई वो खांस रहे हैं, कोई वो बेडरूम में वो चिल्ला रहे हैं, और हम सब सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। तो इतना सारा कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने, वैसे तो मृत्यु दुखद है हमारे लिए, लेकिन भगवान ने इस योजना को बहुत अच्छे तरीके से बनाया।
इसलिए जन्म और मृत्यु ये दोनों ही अच्छी घड़ी में होते हैं। तो कभी कुछ लोग कहते हैं, प्रभु जी आप बताइए कि उनका मृत्यु जो हुआ अशुभ समय में हुआ क्या, हमें कुछ और करना चाहिए क्या उनके लिए? तो मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए। और हमारे भी जो बड़े बड़े आचार्य या गुरु लोग हैं जिनसे हम लोगों ने ये शिक्षा ली है, वे भी यही कहते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वो सभी उनके लिए जो भी घड़ी होती है वो सब शुभ होती है। जन्म भी शुभ होता है और मृत्यु भी शुभ होता है। तो हम उनके गति के लिए भगवान से बैठ करके विशेष प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम उनके लिए कुछ कर सके। तो बैठ करके नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस प्रकार बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए 12 दिन तक। पूरे परिवार को, जो उनका परिवार जिन जिन से उनका संबंध है परिवार का और पूरे समाज का, उन सभी को उनके शांति के लिए और उनके अच्छे आगे की गति के लिए उनको बैठ के भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार मंत्र का जाप करने से उनकी गति आगे बढ़ती है और यही गति उनको आगे ले जाती है। जैसे मैंने बताया कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर जो है प्रेत शरीर वो यही घूमता रहता है उसी घर में, और उसी घर में घूमते घूमते उनको 12 दिन उनको वो आकर के देखते हैं हम सभी परिवार वालों को कि हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है या हम सब उनके लिए क्या कर रहे हैं। कुछ लोग जाने के बाद उनके लिए दुखी होते हैं, कुछ लोग उनके जाने के बाद बड़े सुखी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वह यह भावनाओं को देखते हैं, और चूंकि उनके पास शरीर नहीं है तो वायु रूप का जो शरीर होता है वो साइज में तो छोटा होता है लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो एक ही क्षण में यहाँ से वहां वहां से वहां जाके देख के आ सकते हैं, उनके पास भी ये शक्ति होती है। तो वो पूरे परिवार में देख लेते हैं कि भाई कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। तो हम सभी अगर वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं जिन्होंने प्रभु जी ने शरीर छोड़ा है, तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम उनके लिए बहुत अच्छे से कुछ कार्य करें। हम भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए बैठ करके भगवद गीता का पाठ करें, भागवतम का पाठ करें, रामायण पढ़ें, या इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, या भगवान के कोई भी भगवान विष्णु या कृष्ण के नाम हो राम के नाम हो उसका बैठ के जप करें। और जप करने के अंत में पूरा जब जप संपन्न हो जाए या कोई भगवान का पाठ संपन्न हो जाए तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप यह जो हमारी सेवा है इसका दान इनको दे दीजिए, हमारे परिजन को दे दीजिए। और सोचिए उनको उसका पुण्य मिल जाता है और वही पुण्य लेकर के वो आगे की गति प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए यह जो जन्म और मृत्यु है इसके विषय में आज हम लोग सब ने बस इतना ही सुना है कि मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। और यह गरुड़ पुराण का जो पाठ है, गरुड़ जी भगवान विष्णु से जो प्रश्न कर रहे हैं उसी का उत्तर भगवान विष्णु देते हैं। तो आज हमने केवल इतना ही सुना है, कल हम आगे से बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनेंगे कि यमराज जी के पास जाने के लिए जब 12 दिन बीत जाता है तो उसकी गति कैसे होती है, उसको बीच बीच में कौन कौन सी ऐसी रुकावटें आती हैं जो उसको सहन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। फिर आगे जो पिंडदान दिया जाता है उसके लिए क्या होता है, 16 पुर होते हैं यानी 16 स्टॉपेज होते हैं, वहां पर उस आत्मा को कुछ दान मिलता है, भोजन मिलता है, वो 16 पुर का स्थान कैसा है, तो ये सारे चीजें हमें शास्त्र से सुनने को मिलेंगी। और ये यम मार्ग जो है दक्षिण तरफ है, साउथ की तरफ है, तो हमें साउथ की तरफ ये सब जाना होता है। और रोज 247 योजन यानी 247 योजन चल के क्रॉस करना पड़ता है। मैंने बताया ना, 1 योजन मतलब होता है 8 माइल, 1 माइल मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, तो मतलब तुझे 1 योजन मतलब होता है 10 किलोमीटर, अंदाजा 10 से नहीं 10 से 12 किलोमीटर। तो सोचिए 247 या राउंड फिगर पकड़ो तो 250 योजन मतलब कितना किलोमीटर हो गया, और ये उसको रोज चलना पड़ता है। तो आप सोचिए इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे जानकारी है तो
आप सभी भी समय पर आइए और इस कथा का श्रवण कीजिए, लाभ लीजिए। और अंत में यही कहूंगा कि अभी आज से हमारे पास ज्यादा अभी ये है समय है, तो आज से आप सभी लोग से प्रार्थना है विशेष रूप से कि आप रोज उनके लिए एक माला दो माला जप कीजिए, हो सके तो 16 माला कीजिए, हो सके तो 32 माला कीजिए, 64 माला कीजिए, जितना कर सकते हैं आपकी क्षमता और शक्ति है उतना उनको करके दीजिए। और उनको प्रभु जी को लाभ मिलेगा, दिलीप जी प्रभु दिलीप जी को, और भगवान भी आप लोगों के माध्यम से जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं इसका पुण्य भी उनको जाता है। तो भगवान की इतनी अच्छी योजना है, तो इसमें आप सभी को सहभागी होना चाहिए और अन्यों को भी आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे भी इसको सुन करके उनको लाभ दें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने धैर्य पूर्वक इस कथा को श्रवण किया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं और मैं रोज आपको प्रश्न उत्तर करने का समय भी दूंगा, तो आप सभी अपना प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। श्री कृष्ण, तो मैंने सभी को अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट है। आप अपना माइक अनम्यूट करके कुछ भी प्रश्न प्रभु जी से पूछ सकते हैं इस रिगार्डिंग। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि बिल्कुल जैसे कोई एक, ये आपने बोल दिया कि पापी व्यक्ति की गति होती है, पर कोई ऐसा भी होता है जो पुण्यात्मा होता है, या कोई ऐसे वैष्णव होता है जो भक्ति करता है पूरी जिंदगी, तो उसका क्या गति होती है? हाँ, तो जिन लोगों की गति जो है वो अगर जो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके लिए एक समय निर्धारित किया गया है कि अगर उसने कोई पाप नहीं किया है भगवान का नाम लेने के बाद तो उसको भगवान मुक्ति दे देते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को जो लोग पाप कंटिन्यू करते रहते हैं उनको भगवान मृत्यु दंड, एक बार क्षमा कीजिए थोड़ा, एक सेकेंड, हाँ मैं जरा चल उसका उत्तर देता हूँ। तो भी आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा ये इस तरफ घूम गया है। ओके हाँ, हरे कृष्ण। तो आपका जो प्रश्न है कि जिन लोग जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनकी उनकी क्या गति होती है, तो जो लोग भी पुण्यात्मा हैं उनको तो निश्चित रूप से उनका गति अच्छा ही होता है, उनकी गति बुरी नहीं होती। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने भगवान को सरेंडर किया और सरेंडर करने के साथ भी यदि पाप किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको लाइसेंस मिल गया वो पाप करे। तो इसमें उनके लिए एक अलग नियम हो जाता है, उनके लिए ज्यादा कठोर नियम हो जाता है। तो ये आगे आगे इन सब पे चर्चाएं होंगी कि जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए क्या गति होती है, उनके लिए क्या होता है। पर मूल रूप से आपको उसका एकदम एंड शब्द में उत्तर दे देता हूं, अंतिम शब्दों में, कि पुण्यात्माओं को नरक जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वे डायरेक्ट जो भगवान के भक्त है, पुण्यात्मा भी नहीं, जो भगवान के भक्त हैं वे निश्चित रूप से भगवान के धाम जाते हैं, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं। जिसने भगवान का नाम जप किया है, जिसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया है, जिसने भगवान की भक्ति की है, कभी जाकर के भगवान को प्रणाम किया है, ऐसे व्यक्ति को कोई यमदूत कोई हाथ नहीं लगाते, ये खुद गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो ये चिंता करने का किसी को अर्थ नहीं है। लेकिन हमें कम से कम यह भी जान लेना चाहिए कि अगर आप पाप भी हमसे कोई करता है या हम लोग कभी कभी ज्यादा बुद्धिमान होकर के पाप कर लेते हैं तो उसका भी भयंकर दंड है जो सबको भुगतना पड़ता है, उसके लिए कोई छूट नहीं है। तो तब तक हम सभी को ये सब सारे चीजों को ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है और अपने जीवन को लाभकारी बनाना है। ओके प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूँ आप सभी को मैंने जो आज के बारे में विषय में बताया आप सभी को समझा होगा उसके ऊपर। और कुशाल प्रभु आप कुछ बोल सकते हैं। मुझे एक और प्रश्न था कि आप जैसे बोल रहे कि चलना पड़ता है यमपुरी तक, तो हमने हाँ तो ऐसा सुना है कि यमराज के यमदूत आते हैं और वो लेके जाते हैं, तो चलने का हाँ क्या तो पता? चलना का मतलब यमदूत भी साथ में चलते हैं, अभी आप सुनोगे आगे आगे। तो यमदूत जो है वो भी साथ में उसको लेकर के, जो पापी आत्मा होता है उसको पीट पीट के लेके जाते हैं और चलाते हुए लेके जाते हैं।
और जो जो लोग पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए विमान आता है, उनको विमान में लेके जाते हैं, ऐसा होता है। तो सब सुनोगे आप लोग अभी आगे आगे, काफी भयावह सीन है, बाद में थोड़े अच्छे सीन भी आ जाएंगे इसमें। स्टार्टिंग थोड़ा ये रहता है, इसमें ट्रेजेडी वाला रहता है। जी, ये तो एक ड्रामेटिक पिक्चर जैसा है। पिक्चर में हाँ हर वो तरह का रोमांच होता है, तो वो ये भी जरूरी है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ होल सम, राइट? यस, तो सो हमें इसको सहन, ऐसा नहीं है कि ये केवल हमें डराने के लिए लिखा है, ये एक्चुअली इसलिए लिखा है कि कम से कम हमें मालूम हो कि हम कौन से कर्मों का कौन सा फल भुगतना पड़ता है हमें, और हम अगर उस बात को नहीं समझेंगे या नहीं जानेंगे तो फिर हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए जब दुख का समय आता है, जब किसी की मृत्यु होती है, तो उस समय जो हम चीजें सुनते हैं वो हमें याद रह जाती है। देखिए, आपको अपने परिवार में या अपने जीवन में उन घटनाओं का ज्यादा स्मरण नहीं होगा जो अच्छे समय में बीते होंगे। बहुत अच्छा समय होगा तो याद होगा, लेकिन ऐसे ज्यादा समय अच्छा ही गया तो कुछ याद नहीं रह जाता। लेकिन बुरा समय है, भले 1 महीने के लिए आए या 1 दिन के लिए आ जाए, वो हमें जीवन भर याद रहता है। तो उसी प्रकार जब कष्ट आते हैं ना, तो उस समय शास्त्र सुनना चाहिए, और यही शास्त्र हमारे पूरे जीवन को बदल देते हैं। इसलिए ये जो मोटिवेशन होता है, ये एक्चुअली हमारा शास्त्र ही है, और इसको सुनने मात्र हमारा जो जीवन है वो काफी आगे बढ़ जाता है और हम सभी सुखी हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। एक सवाल था कि जो मैंने सुना है वो राइट है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मृत्यु होती है तब आत्मा निकलता है, फिर वहां पे नरक में अगर वो जाते हैं तो उधर उनके टुकड़े होते हैं, और फिर वापस वो ज्वाइन होके वापस आते हैं जहाँ पे मृत्यु, ये सब 2 मिनट में हो जाता है, ये मैं बराबर सुना है, बराबर मैंने? हाँ, तो आप क्लास में स्टार्टिंग में थी ना माता जी, जब भी नहीं, आई? मैं स्टार्टिंग में हूँ, यानी 6-10 को मैंने ज्वाइन किया, लेकिन बीच में थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छा, इश्यू था, तो मैं जानना चाहती थी कि मैंने बराबर सुना है कि नहीं। हाँ, ये यही है कि 2 मिनट में वो जाता है और आ जाता है, लेकिन उसको उस समय कोई दंड नहीं दिया जाता। वो 12 दिन के बाद उसको एक समय लगता है वहां जाने के लिए, 1 वर्ष लगता है हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से 1 दिन लगता है। तो 1 दिन में वो आत्मा यहाँ से वहां यमराज तक जाता है और फिर उसका नंबर आता है, लेकिन ये जब मृत्यु होती है तो केवल 2 मिनट में प्रोसेस होता है पूरा, इसमें और कुछ यानी नहीं होता। अपने अपने 2 मिनट में वो जाके आ जाता हाँ, मतलब उनको ऐसा बहुत लगता है अच्छा। कि बहुत लंबा समय गया, लेकिन आने के बाद लगता है अरे मैं तो अभी यही, ऐसा फील होता है, सपना जैसा लगता ओके ओके ब्रोजी, थैंक यू ब्रोजी, हरी बोल। है वो। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु जी, आप अपना कीमती समय निकाल के इस कथा के लिए हमारे साथ अगले 7-9 दिनों तक जुड़े रहेंगे। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप प्लीज टाइम से हर रोज 6 से 7 बजे के बीच में आप इस समय निकाल के आप ये कथा सुनिए, बहुत ही लाभदायक कथा है सभी के लिए और जो आत्मा है उनके लिए भी। और विशेष रूप से प्रभु जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप कीमती समय निकाल के आए हैं। आप जी एक बार थोड़ा सा कीर्तन कर लेंगे तो बहुत आनंद है। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे।